आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात, हैप्पी रक्षाबंधन सभी हमारे भाई बहनों के लिए। क्योंकि रक्षाबंधन इस बार 2 दिन था, इसलिए आज आप सभी लोग अपने भाई बहनों पर अपना असीम स्नेह और आशीर्वाद बरसाएं, ताकि बहनों की साथ साथ भाइयों की भी मनोकामनाएं पूरी हो सकें और उन्हें एक उत्साह के साथ एक नवीनतम मार्ग प्राप्त हो, जिसके माध्यम से वो अपनी सफलता की बुलंदियों को छू सकें। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी भाई बहनों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं प्रदान करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियो को करें लाइक और बेल आइकन दबा करके रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। इस बात का हमें बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है कि जो कार्य सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ शुरू होता है, उस तथ्य को लेकर के, उस समाचार को लेकर के बहुत सारे यूट्यूब चैनल भी खबरें देना शुरू कर देते हैं। इससे आप सभी लोगों को पॉजिटिव माहौल का निर्माण होते हुए दिखता होगा। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल ने आज तक जिन भी तथ्यों को लेकर के, जिन भी समस्याओं को लेकर के, जिन भी कार्यों को लेकर के प्रयत्न किया है, उसमें सफलता अवश्य ही प्राप्त हुई है। चाहे वो टीजीटी पीजीटी के विज्ञापन के संबंध में रहा हो, चाहे वो सीटों की वृद्धि के संबंध में रहा हो, चाहे वो एग्जाम डेट को लेकर के रहा हो, चाहे वो यूपी कांस्टेबल के विज्ञापन के लिए रहा हो, चाहे यूपीएसआई के विज्ञापन के लिए रहा हो, चाहे आपके एलटी ग्रेड या जैसे प्रवक्ता के साथ खंड शिक्षा अधिकारी के विज्ञापन को लेकर के रहा हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर के आज तक जो भी मैंने प्रयत्न किया है, उस प्रयत्न में जाहिर सी बात है हमें सफलता प्राप्त हुई। बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे विद्यार्थी हमारे पास इसलिए भी मैसेज करते हैं, हालांकि उनकी संख्या 2-4 की ही होती है, कि आप जब चाहते हैं कैबिनेट मिनिस्टर से मिल लेते हैं, जब चाहते हैं तो आप मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेज देते हैं, जब चाहते हैं तो आप जो मतलब एमएलए और एमपी से मिल लेते हैं, ऐसा लगता है जैसे आपके घर में ही हों ऐसे ये लोग। तो इसमें कोई नई बात नहीं है, ये वास्तविकता है, ये रियलिटी है। वास्तविकता रियलिटी दोनों अलग अलग चीजें हैं। कहा जाए तो ये मतलब एक हिंदी का शब्द है और एक अंग्रेजी का शब्द है, लेकिन जो रियलिटी होती है, रियलिटी जो होती है वो वास्तविकता से थोड़ी परे होती है। ठीक, वास्तविकता से थोड़ी परे होती है। जानते हैं क्यों? इसका एक लॉजिक समझा देते हैं, लेकिन अगर लॉजिक समझाने लगेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन सिर्फ इतना ही बोलूंगा कि वास्तविकता और रियलिटी, रियलिटी वो होती है जो हो चुकी होती है और वास्तविकता वो होता है जो चल रहा होता है। ठीक है ना, मतलब सच्चाई में दोनों होते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग, उनका रोल अलग अलग है। ठीक, और दोनों का स्वभाव एक जैसा है, वास्तविकता का भी और रियलिटी का भी, कि दोनों वर्तमान में प्रेजेंट रहते हैं, हमेशा चलते रहते हैं। अब बात समझ में आई? थोड़ा तर्क लगाया करिए, जीवन सफल हो जाएगा। और रही बात एमएलए की और मिनिस्टर की, ये कोई बड़े जो मतलब व्यक्ति नहीं है, हमारी आपकी तरह आम इंसान है। इनको एमएलए और मिनिस्टर और एमपी और जो प्राइम मिनिस्टर बनाने वाले हम ही लोग हैं, हम ही आप जाकर के वोट देते हैं तभी ये बनते हैं। पसंद में आ रही है ना? तो हमारे घर में स्वयं एमएलए हैं, बीजेपी शाहबाद हरदोई की विधायक, हमारे घर में स्वयं मिनिस्टर हैं, राज्य मंत्री का दर्जा है उनका, उच्च शिक्षा का, आदरणीय रजनी तिवारी, हमारे घर में स्वयं बीजेपी के सचिव हैं आदरणीय अनुराग मिश्रा जी, हमारे घर में स्वयं जिला महामंत्री बीजेपी के, हमारे घर में शिक्षक विधायक स्वयं उमेश द्विवेदी जी। तो हमें किस बात की चिंता, किस बात का फिक्र,
इसलिए हमें किसी भी तरीके की कोई समस्या का समाधान कराने के लिए विद्यार्थियों के भटकना नहीं पड़ता। ठीक, मैं जिस भी चाहूँ अधिकारी से मिल सकता हूँ, जिस भी चाहूँ जो मतलब कर्मचारी से मिल सकता हूँ, जिन प्रतिनिधियों से मिलने का वक्त मांगता हूँ वो मिल जाता है, अध्यक्ष से, सचिव से, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री महोदय से भी अगर हम मिलना चाहें तो हम मिल सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि हम जो कार्य में हाथ डालें वो मुश्किल नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि हम आपकी समस्याओं का समाधान कराने के लिए हम आपसे कोई चंदा वसूली करते हैं। ये सारे कार्य नहीं है अपने जीवन में। आज माता पिता के आशीर्वाद से और आप लोगों के स्नेह और आशीर्वाद से आज हम उस मुकाम पे खड़े हैं जहाँ पे पहुँचना हर विद्यार्थी का, हर इंसान का सपना होता है। यदि आप सभी लोग टेट, सीटेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी और एलटीजीएसई में निश्चित सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो इसमें टीजीटी पीजीटी के लिए 50% ऑफ चल रहा है नोट्स पे, लेकिन एलटी ग्रेड और जीएसई प्रवक्ता के साथ साथ आपका खंड शिक्षा अधिकारी और आपका सुपर टेट, आप टेट सी टेट ले लीजिए 50% ऑफ है। आप टेट सुपर टेट लेंगे या एलटी जीएसई लेंगे तो उसमें जो है मतलब आपको महज 15% ऑफ ही मिलेगा। क्यों? इनके मैटर को तैयार कराने में बहुत मेहनत लगती है, इनका सिलेबस बृहद है, इनके मैटर ज़्यादा होते हैं, ठीक है ना, और इनको तैयार कराने में उस लेवल पे जाना पड़ता है जिस लेवल पे क्वेश्चन सेट होते हैं। आप जानते हैं लोक सेवा आयोग का पैटर्न, ठीक है, तो इसमें समय भी ज़्यादा लगा है, पैसा भी ज़्यादा लगा है, एक्सपर्ट टीम का पसीना भी ज़्यादा बहा है ना, प्रिंटिंग का जो खर्च आता है, कॉस्ट आता है, वो भी ज़्यादा होती है, इसलिए इसमें जो है आपको ज़्यादा रियायतें नहीं दी जाती हैं। लेकिन टीजीटी पीजीटी पे जिस लेवल पे क्वेश्चन सेट होता है उसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है। 20-22 पुस्तकों को एक बार बस एक्सपर्ट टीम को सौंपना है, 15-20 लोगों को बैठा करके, और हर कोई उसमें से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है मतलब छांट लेता है, निकाल करके दे देता है। इस समय टॉप चीजों को मैं बता दूं, आप सभी लोगों को कंप्लीट सिलेबस नोट्स, प्रैक्टिस सेट, इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज तब मिलेगी जब एग्जाम आप लोगों का 10-15 दिन रह जाएगा। ठीक, नोट्स आपको प्रोवाइड हो जाएगा, आप नोट्स से तैयारी करिए। प्रैक्टिस सेट एग्जाम के आपको लगभग 25 दिन पहले आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा, आपको इम्पोर्टेंट प्रश्नों की उसके साथ सीरीज मिलेगी। आप सभी लोग उससे तैयारी करिए और प्रैक्टिस सेट में अपने प्रैक्टिस करिए। आप सभी लोगों को टेट सी टेट सुपर टेट टीजीटी पीजीटी एलटीजीआईसी एसडीआई खंड शिक्षा अधिकारी यूपी कांस्टेबल और प्रारंभिक अर्हता परीक्षा, इसमें यदि आपको सफलता प्राप्त करनी है तो आपको सार्थक गवर्नमेंट या पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स प्राप्त करना होगा। ये नोट्स आप सभी लोगों को 97 41 85 इस व्हाट्सएप नंबर पर प्राप्त हो जाएगा। आप लोग इस व्हाट्सएप नंबर को सेव कर लीजिए। मैं एक साथ डबल वाला ऑफर नहीं चला सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे अपने नोट्स को तैयार कराने में लागत लगी है, उसमें मेहनत लगी है, इसलिए बाय बे वन गेट वन फ्री वाला सिस्टम मेरे पास नहीं है। और एक बात मैं आपको और भी स्पष्ट कर दूं, जिस भी मैटर को मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा आपको उतना ही पढ़ना है, और अगर आप उससे अतिरिक्त भी पढ़ लेते हैं तो कोई नुकसान वाली बात नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि उतना पढ़ने पे भी आपकी सफलता सुनिश्चित हो सकती है, ठीक है ना। 2021 टीजीटी पीजीटी और यूपीटेट में हमारे नोट्स से काफी प्रश्न आए हैं और बहुत सारे विद्यार्थियों का सिलेक्शन भी हुआ है। मैं आप सभी लोगों को इस बात के लिए ताकीद करना चाहूंगा कि आप लोग यदि सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो किस तरीके का कंपटीशन है, किस तरीके का कंपटीशन होना चाहिए, विद्यार्थियों को क्या पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, किस तरीके से पढ़ना चाहिए, उनको मार्गदर्शन प्राप्त होना बहुत ही आवश्यक है। इसलिए मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप लोग यदि तैयारी कर रहे हैं तो आइए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ जुड़िए,
बहुत सारे विद्यार्थियों ने एसएसटी आदि के मैटर हमने देखा है कि बहुत बहुत अन्य विभिन्न चैनलों पर भी बुक किया है, लेकिन मैं आप सभी लोगों को इस बात के लिए ताकीद कर दूं कि जो मैटर मैं एसएसटी का आपको उपलब्ध करा सकता हूं कोई उपलब्ध नहीं करा सकता। जो मैटर मैं आपको जीव विज्ञान वाणिज्य और आपके हिंदी संस्कृत इतिहास नागरिक शास्त्र अर्थशास्त्र भूगोल समाजशास्त्र गणित अंग्रेजी हिंदी अन्य विषयों का विज्ञान का इन सभी विषयों का कला का गृह विज्ञान का उपलब्ध करा सकता हूं कोई नहीं करा सकता। क्यों? क्योंकि मुझे अपने एक्सपर्ट टीम पे यकीन है। मेरी एक्सपर्ट टीम ने जिस तरीके की मेहनत की है उस मेहनत के आधार पर मैं आप सभी लोगों को गारंटी दे सकता हूं कि आप सभी लोगों की सफलता हमारे मैटर से निश्चित हो सकती है। याद रखिए 97 41 85 इस नोट्स को प्राप्त करिए। इस नोट्स को बहुत सारे विद्यार्थियों ने प्राप्त किया है और वास्तविकता में कंपटीशन का लेवल अब समझ में आएगा विद्यार्थियों को। कई विद्यार्थियों ने हमसे कहा कि सर आप टीजीटी पीजीटी के सीट वृद्धि की विज्ञप्ति को जारी कराइए, विज्ञप्ति जारी हो जाएगी, आप इसके लिए बेफिक्र रहिए, तैयारी करते रहिए और आपको लेना एक सीट है। ठीक, ऐसा नहीं कि हम 22,000 सीट करा देंगे तो आप 22,000 सीटों को प्राप्त कर लेंगे, उसमें से एक ही सीट लेंगे। अगर आप इस बात को लेकर के आशंकित हैं कि अगर सीटें ज्यादा होती हैं तो मेरिट कम जाती है तो ये बातें आप भूल जाइए, क्योंकि हर किसी को नौकरी चाहिए। हर विद्यार्थी नौकरी पाने के लिए यही प्रयत्न करता है ना। तो जाहिर सी बात है कि कंपटीशन कहीं कम नहीं होने वाला है, चाहे 22,000 सीटें हो जाए चाहे 4,200 सीटें रहें, कंपटीशन का लेवल आपको उतने ही देखने के लिए मिलेगा। 18.5 लाख फार्म भरना इसी बात की जो है आपको संकेत दे रहा है। ठीक है, अभी आप सभी लोग परीक्षा की तैयारी करें, किसी भी प्रकार की चिंता ना करें। जो भी समस्याएं आएंगी आप सभी लोगों के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं होने पाएगा, ये सार्थक और ब्रिज जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का आपसे वादा है। याद रखिए 97 41 85 टेट सीटेट सुपर टेट में 138 प्रश्न, टीजीटी पीजीटी एलटीजीआईसी में 120 प्लस प्रश्न, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पेट में 80 क्वेश्चन, यूपी कांस्टेबल में निश्चित सफलता और यूपीएसआई में भी निश्चित सफलता, साथ ही साथ खंड शिक्षा अधिकारी में भी प्रीलिम्स में आपको निश्चित सफलता अवश्य प्राप्त होगी हमारे मैटर से। यदि आप सभी लोग इसे प्राप्त करते हैं तो आप सभी लोगों को घर बैठे एक बेहतरीन विकल्प, एक बेहतरीन तैयारी का अवसर के साथ साथ आपको कंपटीशन में जाने से पहले कई मॉक टेस्ट प्रैक्टिस सेट आदि उपलब्ध हो जाएंगे। जब एग्जाम आपका नजदीक आएगा आप तैयारी करने के लिए हमारे 1000 प्रश्नों की सीरीज को बार बार दोहरा पाएंगे जो कि आपके संपूर्ण सिलेबस का सारांश होगा। ठीक है, तो आप सभी लोग 97 41 85 पर इसे प्राप्त करिए, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ जुड़िए ताकि आप सभी लोगों की सफलता में हमारा भी कुछ सहयोग हो सके। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। कार्यक्रम मैं इसलिए कह रहा हूं उसकी एक वजह है, ये एक महायज्ञ है। इस महायज्ञ को पूरा करने के लिए बहुत पसीने बहाने पड़े हैं, कई लोगों को जो है खोमचे वाला तेल लगाना पड़ा है समझ रहे हैं ना। तो आप सभी लोगों को मैं इस बात के लिए आश्वस्त करना चाहता हूं कि एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के लिए जो भी विवाद आदि आपके सामने उठाए थे उन विवादों को पटाक्षेप के लिए उनके निस्तारण के लिए हम सभी लोगों ने हमेशा से ही प्रयत्न किया है और आज भी हमारा प्रयत्न जारी है और बहुत जल्दी ही आप लोगों को विज्ञापन आदि भी देखने के लिए मिलेगा। आज़ादी का अमृत वर्ष भी आने वाला है, आप सभी लोग अपने घरों में जो है तिरंगा लहराएं और एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के विज्ञापन का भी आनंद आप सभी लोगों को बहुत जल्दी ही प्राप्त होने वाला है। सीटों की संख्या पर्याप्त है लेकिन इस बार क्वेश्चन का लेवल आप सभी लोगों को बढ़िया सेट होता हुआ दिखेगा और सबसे अहम बात ये कि परीक्षा का स्तर 2018 से थोड़ा हाई रहेगा। ठीक है, इसलिए जम के तैयारी करिए। नोट्स आज चाहिए तो आप 97 41 85 इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे आपके टीजीटी पीजीटी के लिए। टीजीटी पीजीटी में 7700 पदों को जोड़ने के लिए
एग्जाम कंफर्मेशन हो चुका है, 1700 पद आपके जुड़े हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, एक बात का अफसोस हमें जरूर है कि कंप्यूटर साइंस को इसमें सम्मिलित नहीं किया गया, लेकिन आगामी समय में आप सभी लोगों को कंप्यूटर साइंस भी इसमें देखने के लिए मिलेगा, इसलिए आप सभी लोग इसमें निश्चिंतता के साथ पढ़ाई करते रहिए, तैयारी करते रहिए। और रही बात आपके एग्ज़ाम डेट आज की, तो अभी सेंटरों की लिस्ट ही नहीं प्राप्त हुई है, जब सेंटरों की लिस्ट प्राप्त होगी उस पर मंथन होगा कि कहाँ कहाँ चीज़ें डिक्लेयर हैं, क्योंकि आपने 2021 के TGT PGT में देखा था आदरणीय सीनियर सदस्य माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड महेंद्रमण त्रिपाठी जी ने स्वयं कहा था कि भैया ऐसे ऐसे जगह सेंटर बना दिए गए जहाँ पे CCTV कैमरा ज्यादा नहीं है, है ना। तो ये स्थितियाँ इस वैकेंसी में ना होने पाए, इसके लिए बाकायदा सारी चीज़ें की जा रही हैं, और इतनी आसानी से सेंटर आदि का निर्धारण या एग्ज़ाम का निर्धारण नहीं होता है। इसके लिए जब सदस्य आदि आएंगे तो उनकी एक एक टीम बनाई जाएगी, एक सदस्य को दो दो तीन तीन चार चार जिले दिए जाते हैं, उसमें वो विचरण करेंगे, दौरा करेंगे, मीटिंग करेंगे, और स्पॉट को आप स्पॉट को आपके देखेंगे कि कहाँ कहाँ विद्यालय हैं, किस तरीके के विद्यालय हैं, कैसे उसमें व्यवस्थाएं हैं, वो सारी चीज़ें देखने के बाद तब शासन को फाइनल रिपोर्ट भेजी जाती है, तब सेंटरों का निर्धारण होता है, तब आपका एग्ज़ाम डेट फिक्स किया जाता है। अभी एग्ज़ाम डेट फिक्स होने के लिए आप सभी लोगों को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, और एग्ज़ाम डेट तभी फिक्स होगा जब इसमें सदस्य आदि आएंगे, ठीक है। तो अभी आप लोग तैयारी करते रहिए, नवंबर का पहले पेपर ऊपर होने वाला नहीं है, आप सभी लोग बेफिक्र रहिए, निश्चिंत रहिए, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे एडेड जूनियर के लिए। एडेड जूनियर के लिए बहुत सारे विद्यार्थी बहुत ज़्यादा परेशान हैं भाई, उनकी परेशानी का सबब भी मिल रहा है उन्हें, और शासन स्तर पर कार्रवाइयाँ शुरू हो चुकी हैं, और बहुत जल्दी ही आप सभी लोगों को आज़ादी के अमृत वर्ष पर हम लोग जो है बहुत प्रयत्न के द्वारा ये ज्ञापन आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भी प्रेषित कर पाएंगे, इस बात का पूरा यकीन आप सभी लोगों को दिलाते हैं। और चूंकि चुनावी वर्ष आने वाला है, इसलिए आप सभी लोगों को मैं इस बात के लिए आश्वस्त करना चाहूँगा कि एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती आपकी अगस्त माह में ही कम्प्लीट हो जाए, इसके लिए हम लोग भरपूर तरीके से प्रयत्न कर रहे हैं, ठीक है। और इसका आपका रिजल्ट साथ ही साथ जिला आवंटन सूची और काउंसलिंग आदि का कार्यक्रम इसी अगस्त माह में ही आ जाना है, इस बात के लिए हम आप सभी लोगों को आश्वस्त करना चाहते हैं। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे आपके यूपी कांस्टेबल के नए विज्ञापन को लेकर। यूपी कांस्टेबल का नया विज्ञापन आपका इसी अगस्त माह में जारी होगा, 15 अगस्त के बाद इसमें डिसीजन हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग 26,162 पदों को लेकर के मजबूती के साथ तैयारी करते रहिए, दौड़ते रहिए, तैयारी करते रहिए, ताकि आप सभी लोगों की सफलता सुनिश्चित हो सके। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे आपके यूपी टेट और सी टेट के लिए। बहुत सारे विद्यार्थी पूछ रहे हैं सर यूपी टेट और सी टेट का विज्ञापन कब आएगा, सुपर टेट का विज्ञापन कब आएगा। मैं आप सभी लोगों को बता दूं, सुपर टेट आदि के लिए आप सभी लोगों को थोड़ा सा इसलिए इंतजार करना पड़ रहा है क्योंकि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में 2 जगह याचिकाएं लगी हैं। हालांकि हाईकोर्ट की याचिका का कोई मतलब नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका लगी है उसका मतलब इसलिए है क्योंकि वो उनका आदेश पूरे भारतवर्ष पे लागू होगा, और आदरणीय सर्वोच्च न्यायालय पे जो आदेश होता है, और इसमें सबसे बड़ी बात ये भी है कि इसमें मुख्य न्यायाधीश श्री यू ललित जी, जस्टिस यू ललित जी भी इसमें अध्यक्षता करेंगे, और बहुत बड़ी बेंच के सामने इस चीज़ की सुनवाई हो रही है, ठीक है। तो आप सभी लोगों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, और बहुत जल्दी ही आपके इस मैटर का फाइनलाइजेशन होगा, तत्काल आपका यूपी टेट का विज्ञापन आएगा, सीटेट का विज्ञापन आएगा, और सुपर टेट के लिए मैं आपको बता दूं 97,000 पद नहीं बल्कि 74,000 पदों पर आपके सुपर टेट के विज्ञापन की प्रक्रिया स्टार्ट होगी, जैसे ही ये केस फाइनल होता है वैसे ही, ठीक है। तो आप सभी लोग परेशान बिल्कुल भी मत होइए। आगे बढ़ेंगे, आप बात करेंगे सबसे महत्वपूर्ण और अहम चीज आपके पेट को लेकर के। पेट के जो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा आयोजित होने वाली है आपकी उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग के माध्यम से, इस बार आप सभी लोगों को कुछ परिवर्तन इसमें देखने के लिए मिलेगा, और इतने सारे आवेदन है, 42 लाख 42.5 लाख आवेदन के मामले बहुत ज़्यादा है, इसलिए आप सभी लोगों को अगर बेहतरीन तैयारी करनी है तो आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ जुड़िए और अपनी सफलता को सुनिश्चित बनाइए। याद रखिए TGT PGT का एग्जाम
नवंबर के लास्ट वीक में होगा, ठीक है, और प्रवक्ता आपका जो है वो दिसंबर माह में जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन अगस्त माह में आएगा, अक्टूबर में आपका जो मतलब अक्टूबर लास्ट तक आपका पेपर हो सकता है, अगर अक्टूबर लास्ट में नहीं हुआ तो दिसंबर तक इसका पेपर तो हो ही जाएगा, ठीक है ना। प्रयास यही करेंगे हम लोग कि जल्दी से जल्दी एल्टीग्रेड और जीएससी प्रवक्ता को फाइनल करा लिया जाए, लेकिन आपको एक बात भी बता दें कि एल्टीग्रेड पहले फाइनल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि राजकीय विद्यालय में शिक्षकों को प्रेषित करना है, इसलिए जो है शासन भी इस पर थोड़ा सा कार्य तेजी से करेगा, ठीक है। लोक सेवा आयोग को इसके लिए पहले ही सचेत किया जा चुका है, निर्देश दिया जा चुका है, इसलिए आप सभी लोग पूरी तन्मयता ईमानदारी और निष्ठा के साथ तैयारी करिए, जुड़िए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ। आप सभी लोगों के दिन शुभ हो, हैप्पी रक्षाबंधन, आज सभी लोग खूब मिठाइयाँ खाइए, बहनों से राखी बंधवाइए, खंजूसी मत करिएगा, बहनों को 2-4, 500, 1000, 2000 दे दीजिएगा, कोई कोई बहन होती पकड़ कर कान खींच लेती, कहती चलो दिलाओ जल्दी से, है ना। तो इसलिए मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूँगा, आज हम भी अपनी बहन से राखी बंधवाने जा रहे हैं, और आप सभी लोगों को मैं बता दूँ कि बेफिक्र होकर के निश्चिंत होकर के तैयारी करिए, आपके साथ सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल है, हम हैं, सार्थक सर है, तो कोई टेंशन नहीं है, आप सभी लोगों को किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए हम स्वयं उपस्थित हैं। धन्यवाद, जय हिंद, आज आप लोग सुखी रहें, खुश रहें, जीवन में आप सभी लोगों के यश फैले, सुख फैले, समृद्धि फैले, यही हमारी दिली इच्छा है, यही माता रानी से हमारी कामना है, आप सभी हमारे भाई बहन सुखी रहें, धन्यवाद।